इस वीडियो में हम लोग दिल्ली, यूपी, एमपी, हिमाचल, पंजाब एंड और बहुत सारी स्टेट्स के डोमिसाइल क्राइटेरियाज और 85% स्टेट कोटा में बेनिफिट लेने के क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से सुनना, इवन चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज शिप्रा गोयल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमें पर्टिकुलर कोई स्टेट का 85% कोटा का बेनिफिट लेना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है मूल निवास पत्र। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप पर्टिकुलरली कोई स्टेट के रेजिडेंट हैं तो गवर्नमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट देती है वो प्रूफ करने के लिए कि हाँ आप उस स्टेट के निवासी हैं, जो एक वन ऑफ द क्राइटेरियाज है 85% कोटा का बेनिफिट लेने के लिए। बट बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया है। बहुत सारी स्टेट्स में एजुकेशनल के क्राइटेरियाज भी हैं, किसी स्टेट में डोमिसाइल का क्राइटेरिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि कौन सी स्टेट का क्या क्राइटेरिया है, इसका बेनिफिट क्या होगा क्राइटेरिया जानने का। फॉर एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे 510 स्कोर पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। बट अगर आप बात करोगे यूपी में 595-600 प्लस मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मतलब अगर आपके पास 550 मार्क्स हैं और हिमाचल का डोमिसाइल होता तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता, बट अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो नहीं होगा। तो दैट्स वाई अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर किसी तरीके से आपका कोई स्टेट का डोमिसाइल बन सकता है और उस वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है तो वो बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहिए। बट वो बेनिफिट कब लोगे? जब आपको राइट नॉलेज होगी, जब आपको राइट क्राइटेरियाज पता होंगे। तो बिफोर कि हम स्टेट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करें, आप मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नीट की सारी काउंसलिंग की अपडेट्स एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लाइक दिल्ली। अगर आपने 11th-12th दिल्ली से की है तो आप 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए दिल्ली कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो आपने CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, जामिया हमदर्द या फिर नेशनल ओपन स्कूलिंग से किया, बट उसका एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में था तो भी आप एलिजिबल हैं दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की। उत्तर प्रदेश स्टेट में अगर आपने अपनी 10th एंड 12th दोनों क्लासेस उत्तर प्रदेश स्टेट से की हैं तो आप 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने अपनी एजुकेशन 10th या 12th में से कोई भी एक क्लास या दोनों क्लासेस उत्तर प्रदेश से नहीं की हैं तो अगर आपके पास उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात ऐसी है कि आपका डोमिसाइल कैसे बनेगा? अगर या तो आपके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर आप मिनिमम 3 साल यूपी में रहे हैं तो आपका डोमिसाइल इजीली बन सकता है, जिसका ड्यूरेशन बहुत 3 इयर्स बहुत कम टाइम है डोमिसाइल बनने के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 595-600 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर बात करते हैं बिहार स्टेट की, बिहार स्टेट में अगर आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल बिहार का है, वो परमानेंट रेजिडेंट है बिहार के, तो भी आपको 85% कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। या फिर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं बिहार स्टेट में, देन आल्सो यू कैन गेट द बेनिफिट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है। नेक्स्ट हम लोग स्टेट बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्टेट में दोनों में से एक क्राइटेरिया मैंडेटरी है, चाहे तो आपके पास उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर आपने अपनी 10th एंड 12th क्लास उत्तराखंड स्टेट से किए है, देन आपको 85% कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। बट एक छोटा सा कैच है कि अगर आपने अपनी 10th 12th उत्तराखंड से की है बट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 85% कोटा के लिए तो एलिजिबल हो, बट EWS, OBC, SC, ST ये कैटेगरीज के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेट में जो बात करने जा रही हूँ वो है पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट में सीधा दिया हुआ है कि अगर आपका पंजाब का बर्थ सर्टिफिकेट है तो
तो भी आप 85% कोटा के लिए एलिजिबल है। नंबर टू, अगर आपने अपने कोई भी 5 साल की एजुकेशन पंजाब से की है या फिर लाइक आपकी 12th अगर 2023 ही है तो पिछले 2 साल मतलब 11th और 12th आपने पंजाब से की है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपके पेरेंट्स की या फिर आपकी कोई लैंड 5 साल पुरानी पंजाब में है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स की जॉब गवर्नमेंट जॉब है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का मोर देन 20% शेयर है देन और उन्होंने मिनिमम 3 ईयर्स वर्किंग की है बिफोर योर एडमिशन प्रोसेस देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर 85% कोटा। और अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कोई और स्टेट के एम्प्लॉय हैं बट उनका कोई टेम्परेरी डेपुटेशन या फिर वो पिछले 3 साल से पंजाब में या चंडीगढ़ में वर्किंग कर रहे हैं देन ऑल्सो आप 85% कोटा के लिए एलिजिबल हैं। तो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप पंजाब स्टेट में बेनिफिट ले सकते हैं। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ भी कम जाती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा है जहाँ पे ट्यूशन फीस लगभग 4 लाख पर ईयर के आसपास है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। पंजाब में मेडिपीडिया के काफ़ी सारे ऑफिसेज भी हैं, आप मेडिपीडिया के नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोर डिटेल्स के लिए। अब बात करते हैं स्टेट हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करने से पहले समझते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट हिमाचल में किसको मिलता है। अगर आपके पास हिमाचल में परमानेंट आपकी कोई लैंड है या फिर आप मिनिमम 15 साल हिमाचल में रहे हैं तब आपको बोनाफाइड हिमाचली बोला जाता है। तो अगर 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना है उसके क्राइटेरियाज क्या हैं अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचली हैं और आपने 10th, 11th, 12th में से मिनिमम 2 क्लासेस हिमाचल से किए हैं, बोनाफाइड हिमाचली भी होना चाहिए एंड 10th, 11th, 12th में से 2 क्लासेस भी होने चाहिए, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तब आप 85% कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया की बात करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचली नहीं है बट वो गवर्नमेंट जॉब में है और हिमाचल में उनकी पोस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंडिया की पोस्टिंग में है या जज पोजीशंस पे है, उसकी क्राइटेरिया क्या है कि आपने अगर अपनी 11th 12th हिमाचल से की है एंड आपके जो पेरेंट्स की जॉब है वो मोर देन 2 ईयर्स है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स ऑफ एडमिशन, मतलब अगर 2023 में आपको एडमिशन लेनी है तो 2019 से 2023 के बीच में मिनिमम 2 साल उनकी वर्किंग हिमाचल में है एंड आपकी 11th 12th हिमाचल से है तो भी आप एलिजिबल हो। थर्ड क्राइटेरिया, अगर आपके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचली हैं बट उनकी आपके एडमिशन लेने से पिछले 3 साल तक की पोस्टिंग बाहर है हिमाचल से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो आपको स्कूलिंग के क्राइटेरिया से एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो मतलब आपकी जो 10th 11th 12th हिमाचल से नहीं भी है तो भी आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। अगर नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स हिमाचल स्टेट में परमानेंट एम्प्लॉयज हैं बट पास्ट 3 ईयर्स के लिए उनको कोई डेपुटेशन या फिर उनको ट्रांसफर मिला हुआ है कोई स्टेट में देन ऑल्सो आप पे स्कूलिंग का क्राइटेरिया एलिजिबल नहीं है, बिना स्कूलिंग के क्राइटेरिया के भी आप हिमाचल में बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट, अगर आपके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचलीज हैं और उनकी जॉब इंडियन डिफेंस सर्विसेज में पैरामिलिट्री में इन सर्विसेज में है देन ऑल्सो आपके लिए स्कूलिंग क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेरेंट्स के बोनाफाइड के बेसिस पे भी आपको 85% कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टेट मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 85% कोटा बेनिफिट होने के लिए मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अगर आप MP में मोर देन 5 ईयर्स रहे हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात करें MP क्लोज डोमिसाइल स्टेट्स है, जबकि ये बोला जाता है कि सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बट MP के प्राइवेट कॉलेजेस में जितने भी सीट्स मैनेजमेंट कोटा की है वो सारे MP के स्टूडेंट से ही फिल हो जाती हैं। तो इसलिए MP स्टेट के भी डोमिसाइल का काफ़ी बेनिफिट आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में मिलता है।